हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वी के टी केमिस्ट्री में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो साइंटिस्ट के बारे में। दोनों ही केमिस्ट थे और उनसे हमको क्या मोटिवेशन मिलता है देखिएगा। देखिए, 12th क्लास और IIT JEE के बच्चे एक चैप्टर जानते होंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और आपको बताऊं, द फादर ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री द साइंटिस्ट बर्नर। अच्छा, आज मैं आपको बर्नर के बारे में क्यों बताने वाला हूँ, सुनिए। दरअसल बेटा, बात है लगभग 1880 की और बर्नर ने एक नए टाइप के कंपाउंड की डिस्कवरी करनी। जैसा कि आप जानते हैं K4FeCN6, दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऐसे कुछ अलग टाइप के कंपाउंड की डिस्कवरी बर्नर ने कर दिया और बर्नर ने ये रिप्रेजेंट किया कि कुछ अलग टाइप के कंपाउंड भी हैं जिनको आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल सकते हो। लेकिन 1880 पर बर्नर की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आपको बताऊं, आज हमारे ब्लड का हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल, ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, समझिए। 1880 पर बर्नर की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बर्नर फिर एक बार उठे और 1913 में इन्होंने अपने मॉडल को और मजबूती के साथ रिप्रेजेंट किया एंड बर्नर अचीव द नोबल प्राइज। इसीलिए आपसे कहता हूं कि एक बार किसी एग्जाम में आपको विफलता मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप चुप्पी साध कर बैठ जाओ, फिर लगो। सोचिए, लगभग 20-30 साल बाद उसी एक्सपेरिमेंट को बर्नर ने कंटिन्यू रखा और मजबूर हुई दुनिया उनको नोबेल प्राइज देने के लिए, ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज और सुना होगा, आपने सुना है एक साइंटिस्ट हैबर ने अमोनिया बना लिया था। अमोनिया, बिल्कुल, लोग जानते हैं हैबर से अमोनिया बना। सुनिए, जब हैबर ने N2 और 3H2 को मिलाया, सोचिए क्या बात है, और 400 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर से कोई अमोनिया नहीं बन रही थी। हैबर को लगा कि यार मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंट गलत है, अब तो कोई अमोनिया नहीं बननी चाहिए। अच्छा, हैबर बोले रुकिए, 200 ATM प्रेशर भी लगा दिए, लिए प्रेशर की भी ताकत छूके और ताकत लगाए, अभी भी अमोनिया नहीं बन रही थी अच्छे से। हैबर ने आयरन कैटलिस्ट लगा दिया और तो भी काम नहीं चल रहा था। हैबर ने मॉलीबिडनम कैटलिस्ट प्रमोटर लगा दिया और बना दिया अमोनिया, मिल गया नोबेल प्राइज। हैबर को भी सोचो, इससे मोटिवेशन क्या है, रिएक्शन नहीं याद कर रहा है आपको। मोटिवेशन ये है कि अगर थोड़े से काम न बनता हो, आगे और सोचिए कि हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, और अच्छा क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारा टारगेट ये है कि अगर हमको बोर्ड में 99% अचीव करना है, हमको 95+ अचीव करना है, तो हमको हैबर और बर्नर की तरह अपने लक्ष्य को हमेशा पकड़े रहना है। और सुनिए बच्चों, आज की जरूरत हार्ड वर्क नहीं है, आज की जरूरत स्मार्ट वर्क है। टीचर आपको क्लास, ये सब स्मार्ट बन गई थी। Every scientist are the smart. ये सब स्मार्ट थे, हार्ड वर्कर के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करते थे। कोई टीचर क्लास ले रहा है, आप पर डे उसके क्लास का टाइम शेड्यूल सेट कर लो कि इतने टाइम पर ये टीचर हमको ये पढ़ा रहे हैं। उस समय तुम्हारा पूरा माइंड उन टीचर के ऊपर फोकस करे कि आज मुझे फिजिक्स में ये पढ़ाया गया, मुझे केमिस्ट्री में ये पढ़ाया गया। छोटी छोटी बातों को आप ध्यान दीजिए। मैं कहता हूँ गारंटी से एक महीने बाद तुम टाइम टेबल बनाओ और आफ्टर 1 month आप अपने अंदर ड्रास्टिक चेंज देखोगी, ठीक है। तो आज के वीडियो से आप को ये शिक्षा मिलती है कि आप अपने काम को कंटिन्यूअसली जारी रखिए, रुकिए मत। अमोनिया बनाना है तो बनाना है, नीट करना है तो करना है, जितना टाइम लगेगा करेंगे, 10 साल 20 साल 30 साल। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मार्केट में लाना है तो लाएंगे, 10 साल 20 साल 30 साल कुछ भी लगेगा, हम अपने लक्ष्य से अलग नहीं भटकेंगे, करना है तो करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।